आज हम बनाएंगे मशरूम की एक बढ़िया टेस्टी रेसिपी। जिसे मशरूम पसंद नहीं होगा वो भी बड़े चाव से इसे खाना पसंद करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए मैंने 200 ग्राम मशरूम लिए हैं, तो इसे मैंने साफ धो लिया है। तो अब हम इसे काट लेंगे। तो मशरूम के हिसाब से, यदि मशरूम छोटे हैं तो आधा काट लें, बड़े हैं तो चार भाग में काट लें। तो इस तरह से इसे चार भाग में काट लिए, थोड़ा बड़ा साइज का था इसलिए। तो इसी तरह हम सारे मशरूम को काट लेंगे। तो ये मशरूम हमने काट के तैयार कर लिए हैं, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब पैन लेंगे, उसको गरम कर लेंगे और उसमें एक चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम होने पर हम इसमें जो हमने मशरूम काट के रखे थे उसे फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करते समय इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से टॉस भी कर सकते थे। तो हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, तो थोड़ी देर और हल्का सा भी ये फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। तो हमने इसे बाउल में निकाल लिया है। अब हम उसी पैन में दो बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। आप अपने हिसाब से ऑयल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ऑयल को गर्म होने पर आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा अच्छा चटक जाए तो ये मैंने खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें एक तेजपत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक इलायची, बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और 10 से 12 काली मिर्च और लौंग ली है। तो इसे डाल देंगे, इसका बढ़िया तड़का लगा लेंगे। इसमें 1 पिंच हींग डाल देंगे और बारीक कटी प्याज डाल देंगे। प्याज हल्के ब्राउन आ गए हैं, अब हम इसमें क्रश किया हुआ लहसुन और क्रश किया हुआ अदरक डाल देंगे। आप इसकी जगह अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे भी हल्का हल्का भून लेंगे। अब हम डालेंगे हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिससे हमारी सब्जी टेस्टी भी बनेगी और ग्रेवी जो है वो गाढ़ी भी बनेगी। तो ये मैंने 2 चम्मच बेसन डालेंगे और उसे अच्छे से भून लेंगे। तो 2 चम्मच बेसन डाल दिया है और इसे प्याज के साथ ऑयल में अच्छे से भून लेंगे। इससे ज़्यादा नहीं डालना है बेसन। बेसन हो जाने पर हम हमारे बेसिक मसाले डालेंगे। जरा सी हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे सब्जी को कलर बहुत अच्छा आता है, और 1 चम्मच किचन किंग मसाला। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे भून जाने पर अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डाल देंगे। तो ये टमाटो प्यूरी मैंने पहले ही तैयार कर ली थी, तो अब इसे डाल लेंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। टमाटो प्यूरी के साथ हम नमक भी डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम पैन को कवर कर लेंगे और मसाले ऑयल छोड़ दे तब तक हम इसे पकने देंगे। मसाला अच्छे से भून गया है और साइड से आप देख सकते हैं ऑयल भी छोड़ दिया है मसाले में। अब इसमें मैंने थोड़ा सा, बिल्कुल 2 चम्मच टमाटो सॉस लिया है, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ी हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो मशरूम फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी देर, 1 से 2 मिनट हम मशरूम को मसालों में फ्राई होने देंगे, मशरूम में एक बढ़िया टेस्ट आ जाए। अब इसे भी थोड़ा ढक के रख देंगे। सब्जी को चेक कर देंगे, मसाले अच्छे हो गए हैं सब्जी। अब हम इसे जितनी भी ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल देंगे। या तो आप इस तरह से सूखी भी खा सकते हैं, तो इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड करूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है। गैस को ऑफ कर देंगे हम। एकदम बढ़िया ग्रेवी को कलर भी बहुत बढ़िया आ गया है। तो ये देखिए हमारी मशरूम मसाला सब्जी बनकर तैयार है। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है ये। इसकी ग्रेवी भी बहुत बढ़िया आई है, इसका कलर भी बहुत सुंदर आया है। तो अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो ये थी हमारी मशरूम मसाला रेसिपी। इसे आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। और रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।